मेनोपॉज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम महिलाएं फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। आइडियली क्या करना चाहिए हमें कि जैसे ही महिलाएं मेनोपॉज तक पहुंचने वाली हैं वो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वो है उनका डाइट और लाइफस्टाइल। और मेनोपॉजल वुमेन में सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है कि उनका मसल लॉस बहुत होता है जो कि एक सेल्यूलाइट जैसा दिखता है और स्किन जो है एकदम लूज़ होके लटक जाती है। तो ये ना हो इसके लिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करें, मैग्नीशियम भरपूर लें, बादाम हर रोज़ भिगो के खाएं और हर रोज़ 2 वॉलनट्स ज़रूर खाएं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक बार फिर आज बात मेनोपॉज पर, क्योंकि मेनोपॉज से रिलेटेड पूरी सीरीज़ आप पसंद कर रहे हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मोटापा क्यों होता है, और आज हम बात करेंगे मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद कैसी डाइट ली जाए कि आपका कैल्शियम भी कम ना हो, मूड स्विंग्स जो होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, एकदम से पसीना आ जाना या दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो कुछ बातों का 40 की उम्र के आसपास ख्याल रखकर, खासकर खान पान का ख्याल रखकर आप इन प्रॉब्लम्स को, इन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। इसी पर बात डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सो वेलकम अगेन सारिका। हेलो। सो आज बात मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद। बहुत सारे क्वेश्चंस महिलाओं ने पूछे हैं क्योंकि हर महिला को मेनोपॉज से गुजरना है। तो क्या कुछ ऐसी डाइट होती है जो मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद हम कुछ बातों का, खान पान का ख्याल रखकर ये जो साल हैं वो स्मूथली अच्छे से गुजर जाएं? जी, तो सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी उन महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि मेनोपॉज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम महिलाएं फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई हैं और एक ना एक दिन वो ख़त्म होने हैं। जो जब हम 50 तक पहुंचते हैं वो डिप्लीट होते हैं, जो हर महीने फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होते हैं, तो वो एक दिन डिप्लीट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो महिलाओं में 7 से 10 साल पहले तक भी शुरू हो सकते हैं, जिसे हम पैरी मेनोपॉज की स्थिति कहते हैं। और शायद पैरी मेनोपॉज की स्थिति का बहुत लोग, महिलाओं को कुछ ख्याल ही नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि आप 35-40 जैसी जिंदगी जी रहे हो, जीते जाते हो जी, और अगर कुछ बॉडी में चेंजेस हो भी रहे हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो किस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं मेनोपॉज से पहले और किस तरह की डाइट, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, ली जाए? सो मेनोपॉज से पहले क्या होता है कि बहुत सटल से साइंस होते हैं जो महिलाओं को पहचानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ड्राई माउथ भी कई लोगों का होता है और हॉट फ्लैशेस बहुत आगे जाके होते हैं, जब आपका मेनोपॉज होने ही वाला है। उस टाइम पे एंग्जाइटी होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, तो महिलाएं एकदम से डर जाती हैं। तो मेनोपॉज 70% महिलाओं में सिम्टम्स देता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपका एडर्नल्स हेल्दी हैं, शुरू से हेल्दी हैं, तो मेनोपॉज के इस तरह के भयंकर सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। एंड मेनोपॉज एक बहुत ही स्मूथ एक प्रोसेस होना चाहिए। आइडियली क्या करना चाहिए हमें कि जैसे ही महिलाएं मेनोपॉज तक पहुंचने वाली हैं वो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वो है उनका डाइट और लाइफस्टाइल। होता क्या है कि महिलाएं हमेशा से फिगर कॉन्शियस रहती हैं और वेट लॉस करने के चक्कर में वो अपना न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। और ख़ासकर मेनोपॉज के दौरान हाई फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फैट से बचने की ज़रूरत नहीं है। पर फैट तो फिर मोटापा भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि नॉट ऑल फैट्स आर क्रिएटेड, दे आर नॉट इक्वल। मीन्स फैट्स, मैं गुड फैट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ्राइड खाना खाना है। यहाँ पे गुड फैट्स की बात हो रही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू मेक हॉर्मोन्स। और मेनोपॉज के दौरान क्या होता है कि जो आपके एडर्नल ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन आपका 50% तक डिक्लाइन होता है और मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है प्रोजेस्ट्रोन के डिक्लाइन होने की वजह से, जो 70 to 80% तक डिक्लाइन होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम शुरू से ही अपने डाइट का ख्याल रखें और हेल्दी फैट्स और माइक्रो मिनरल्स अपनी डाइट में शामिल करें, तो हम इस तरह के हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं और उनके इम्बैलेंस के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो किस उम्र से क्या खाना चाहिए? जी, अब जैसे ही वी आर नियरिंग 40, जैसे ही महिलाएं 40 साल की उम्र तक पहुंचने लगती हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन को रेगुलेट करें। अब विटामिन ई देखा गया है कि जैसे ही महिलाएं मेनोपॉज तक पहुंचती है, विटामिन ई एकदम से डिक्लाइन करता है। और विटामिन ई का बहुत ही मेजर रोल है ओवरीज में। ओवरीज आपकी हॉर्मोन्स रिलीज कर रही हैं, तो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन को एक बैलेंस में लेकर आना है। तो बहुत सारी हर्ब्स भी हैं जो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करती हैं, वो ज़रूर बताइए। जी, तो शुरू से सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हरी पत्तेदार सब्जियां शुरू से खाइए और एलमंड्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और मैग्नीशियम के लिए केला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सब कुछ हरी सब्जियों में आपको मैग्नीशियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, और एलमंड्स में। और डार्क चॉकलेट से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन हैव डार्क चॉकलेट ऑल्सो। और एस्ट्रोजन के लिए मैं खासकर बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्लैक्स सीड्स या सोय प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपका एक हेल्दी लेवल एस्ट्रोजन्स का बनता है बॉडी में, और जो एक बैड एस्ट्रोजन्स होते हैं वो ज़्यादा फाइबर की मात्रा यूज़ करने से फ्लश आउट होते हैं। अलसी की और सोया। जी, तो अलसी कैसे ले सकते हैं वो बताइए। अलसी को हल्का सा रोस्ट करके आप उसका पाउडर बनाकर आप उसको छाछ में ले सकते हैं, या फिर आप दही में ले सकते हैं, या फिर आप उसके लड्डू बना सकते हैं घी में। इस तरह से आप रोज़ अलसी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हर रोज़ अपनी डाइट में क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बंद गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये ज़रूर शामिल करें। इससे क्या होगा कि इनके जो टॉक्सिन्स हैं, और जो दो तरह के एस्ट्रोजन होते हैं, एक हेल्दी एस्ट्रोजन, एक अनहेल्दी। अनहेल्दी को फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। और मेनोपॉजल वुमेन में सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है कि उनका मसल लॉस बहुत होता है, जो कि एक सेल्यूलाइट जैसा दिखता है, और स्किन जो है एकदम लूज़ होके लटक जाती है। तो ये ना हो, इसके लिए वो हर रोज़ एक्सरसाइज करें, मैग्नीशियम भरपूर लें। मैग्नीशियम के लिए वो स्पिनच ले सकती हैं, यानी पालक, हरी सब्जियाँ, बादाम हर रोज़ भिगो के खाएं, और हर रोज़ 2 वॉलनट्स ज़रूर खाएं। अखरोट भिगो के खाने चाहिए या सूखे? अगर आप शेल से निकाल कर खा रही हैं तो आप वैसे भी खा सकती हैं, लेकिन आप भिगो के भी खा सकती हैं। लेकिन मैं पर्सनली अखरोट को नहीं भिगोना पसंद करती, बिकॉज उससे उसके फैट्स भी मैंने देखा पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो एलमंड्स को भिगो के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो एक न्यूट्रिएंट इनहिबिटर्स होते हैं वो एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। सर्दियों में भी भिगो के खाएं। जी जी। अब जो महिलाएं मेनोपॉज के दौरान अब आपका प्रोजेस्ट्रोन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल 70 to 80% तो प्रोजेस्ट्रोन ही कम होता है आपका, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों रेगुलेट होने चाहिए। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमारी टीम जो है वो वाइल्ड यैम खाने के लिए बोलती है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में मार्केट में जिमीकंद की सब्जी मिलती है, वो महिलाएं ज़रूर खाएं, हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनाकर खाएं। जिमीकंद की सब्जी से काफ़ी मेनोपॉज के सिम्टम्स कर्ब किए जा सकते हैं। अब जिन महिलाओं को रात को नींद ना आने की समस्या, नींद नहीं आती है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह जल्दी उठकर सूर्य की रोशनी में बैठें, और कोई एडप्टोजेनिक हर्ब जैसे कि अश्वगंधा अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अश्वगंधा आपको हर्ब के रूप में भी मिल जाती है, और आप उसका कैप्सूल भी ले सकती हैं। रात को सोते वक्त आप अश्वगंधा खा सकती हैं, या फिर हम अपने पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप रात को सोते वक्त अगर हैंडफुल ऑफ पिस्ताचियोज, पिस्ता खा ले थोड़ा सा, उसमें भी मेलाटोनिन होता है और वो एक स्लीप हार्मोन है जो आपकी नींद इंड्यूस करने में मदद करता है। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि नींद नहीं आती इस दौरान, तो शायद ये समस्या सुधर सकती है एक अश्वगंधा और एक पिस्ता खाने से। जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज की सलाह दूंगी कि सुबह उठ के लाइट स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, हरी सब्जी खाएं और अपना खूब ख्याल रखें। कैल्शियम खाएं, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि सिर्फ डेयरी से कैल्शियम मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप तिल के लड्डू बनाकर रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है। आप टोफू खा सकती हैं, आप दही खा सकती हैं। आपको फैट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करती हैं तो आपका फैट लॉस होता है। और मैं हमेशा से अपनी टीम और हम अपने पेशेंट्स को यही समझाते हैं, फैट कट्स फैट। अगर आप हेल्दी फैट्स खाएंगी तो आप दुबली पतली अच्छी से दिखेंगी, आप फिगर में उसमें रहेंगी, शेप में रहेंगी। आपको इंटेलिजेंटली आपको हेल्दी कार्ब्स खाने हैं, आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने हैं, आपको बेकरी से बचना है और आप इस तरह के कार्ब्स खाइए जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे आप मिलेट्स यूज़ कर सकती हैं, आप ज्वार का आटा यूज़ कर सकती है, रागी कैल्शियम से भरपूर है, बहुत अच्छा है मेनोपॉजल वुमेन के लिए। तो अब हेल्दी फैट्स भी बताइए, हेल्दी कार्ब भी बताइए। हेल्दी फैट्स में आपके सारे नट्स और सीड्स आ जाते हैं और आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर रोज़ हैंडफुल ऑफ नट्स खाने ही खाने हैं और आपको फ्रूट्स खाने हैं। खूब फाइबर लेना है, फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूबल फाइबर अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। आप अपना दिन की शुरुआत फ्रूट से कीजिए, नट्स से कीजिए और उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस में आएगी और आपका एडर्नल सिस्टम हेल्दी बनेगा और जो ये डिक्लाइन होते हुए हार्मोन्स हैं ये अचानक से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। आपका बोन लॉस नहीं होगा। बहुत सारी लेडीज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया हो जाता है मेनोपॉजल वुमेन को, वो इसीलिए होता है बिकॉज वो शुरू से ही अपना लाइफस्टाइल और डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और वेट लॉस की जर्नी में लगी रहती हैं। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी एम्पल अमाउंट में नहीं है बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप जितना मर्जी कैल्शियम खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सपोज नहीं है, मैं सप्लीमेंट्स खाने की सलाह सिर्फ उन लोगों को दूंगी जिनको एमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ पड़ा विटामिन डी। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हमारे पास भरपूर सूर्य की रोशनी है। जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू सन, विटामिन डी लीजिए, आपका कैल्शियम ऑप्टिमाइज होगा बॉडी में। आप मैग्नीशियम लीजिए जो मैं सोर्सेज बता चुकी हूँ और आप अपने प्रोटीन का ध्यान रखिए और वीगन प्रोटीन ज़्यादा लीजिए जो आपको दालों से मिल जाएगा। और इवन आपकी हरी सब्जियों में भी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो बायोअवेलेबल होता है। ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी प्रोटीन। अच्छा, ये जो विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है, उसके बारे में ये ज़रूर बताइए कैसे और कब लेना चाहिए, कितनी देर तक। जी, तो सबसे पहले आप सनस्क्रीन लगा के सूर्य के सामने मत जाइए और सुबह अगर आप 8 बजे के बाद सूर्य की रोशनी ले रही हैं, 8 से लेकर 3 बजे तक एम्पल अमाउंट में आपको विटामिन डी मिलता है। जस्ट एक्सपोज कीजिए अपनी बेयर स्किन को 20 मिनट के लिए। अगर आप फेयर हैं तो 20 मिनट के लिए बहुत है। हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप इस तरह से सूर्य के सामने रहती हैं और थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा एक्सपोज करके बेयर स्किन आपकी होनी चाहिए, 20 मिनट्स में आपको पूरा ऑप्टिमाइज विटामिन डी जो एक ऐसा हार्मोन है, इट्स नॉट अ विटामिन, एक ऐसा हार्मोन है जो आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाता है और आप हफ्ते में 2 बार भी अगर अपना एक्सपोज करेंगी, इट्स मोर देन इनफ। तो सिर्फ हाथों में भी अगर लग रहा है तो भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं 12 बजे के बाद अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बढ़ जाती है, नहीं जाना चाहिए सूरज के सामने। जी, अगर बहुत गर्मी है तो मैं नहीं सलाह दूंगी, लेकिन सर्दियों में आप ले सकते हैं, आप अपने बैक पे ले सकते हैं, फेस पे डायरेक्ट मत लीजिए। और सुबह की रोशनी एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन डी रेडिएट करती है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं सारी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस से बचें। अब स्ट्रेस से मैं जानती हूँ कि बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक इंटेंशन रखनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रेस से बचना ही है। बिकॉज स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और कॉर्टिसोल लेवल्स ही बोन को डैमेज करते हैं। और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपके जो स्टोर्ड शुगर लेवल्स होते हैं उनको रिलीज करता है और इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है मेनोपॉजल सिम्टम्स के, कि आपको प्री डायबिटीज़ तक पहुंचा देगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा और आपकी जितने भी मेनोपॉज के डर्टी सिम्टम्स होते हैं, ये कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो यू हैव टू लोअर डाउन योर कॉर्टिसोल हार्मोन्स और रिलैक्स कीजिए। उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं अगर बताऊं तो आप लंबे ब्रीदिंग अगर 15 मिनट के लिए भी अगर आप डीप ब्रीदिंग करती हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं ड्रामेटिकली।